कैसे हैं दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि मैं हैबल्स ब्रांड के अंदर आपको एक पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताने लगा हूं, जिसका नाम है पावर हंक के नाम से आता है। 800 वॉट्स के अंदर है ये एंड 7 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। तो मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग की हुई है, तो चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। एंड इसमें जार की बात करें तो ये जार तीन तरह के जार्स आते हैं, ठीक है जी। इसमें कुछ कम क्वांटिटी में बनाना है तो ये जो ब्लेड देख रहे हो ये 304 ग्रेड के अंदर काफी अच्छा ब्लेड है एंड हैंडल के साथ मिल जाता है, इजीली स्ट्रॉन्ग एंड काफी अच्छा स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। उसके बाद ये लिक्विडाइजर जार होता है जिसमें आप कोल्ड कॉफी, लस्सी, बनाना शेक वगैरह बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये इसमें लॉकिंग के साथ आता है। अब नॉर्मल मिक्सी के अंदर क्या होता है कि आपको मिक्सर के ऊपर चलाने से पहले हैंड बहुत तेज से रखना होता है। इसमें क्या करना है, आपने मटेरियल डाला और लॉक किया और हल्का सा पकड़ के रखा, बहुत इजीली स्मूथ चलता होता है। और यहाँ से कुछ ऐड डाउन करना हो तो यहाँ से आप ऐड डाउन कर सकते हैं और इजीली इसको आप खोल सकते हो। ऐसे तीनों तरफ से लॉक निकल जाता है, ठीक है, एंड ये ऐसे खुल जाता है, ठीक है। इसके अंदर की ब्लेड की बात करें तो ये ब्लेड भी काफ़ी शार्प और 304 ग्रेड के अंदर ब्लेड है और काफ़ी स्ट्रांग जा रहा है, ठीक है। तो ये लगाने के लिए सिंपल, ये भी ऐसे ही लग जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लॉक हो जाता है। सेकेंड हम जार बात करें मीडियम जार के अंदर, तो इसमें सेम वही फीचर मिल जाते हैं और वही आपको ऐड डाउन करने के लिए मिल जाता है 304 ग्रेड के अंदर ब्लेड इसके अंदर भी है और ये भी काफ़ी हैंडल के साथ स्ट्रांग है। जार की बात हमने की, तीनों के अंदर हैंडल के साथ है, ठीक है। एक एक लीटर का जार है, 1.5 लीटर ये आपका लिक्विडाइजिंग के लिए एंड 1 लीटर आपका मिड जार एंड 500 ml आपका स्मॉल जार, ठीक है। तो बात करें हम मोटर की इसकी, तो मोटर के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। ये जो पी देख रहे हैं आप, तो इसमें आप अगर थोड़ा सा चलाना हो, पकड़ के चलाना हो तो ये पी दबाएंगे, ऑफ यहाँ पे हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन तरह की स्पीड्स आ जाती हैं और मोटर काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है जी। नीचे वैक्यूम लगा हुआ है, वैक्यूम प्रेस, इवन कि अगर आप मिक्सी चलाते हो या किसी सेल्फ के ऊपर रखते हो तो ये चिपक जाता है, उठ नहीं सकता, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, कभी भी मिक्सी ओवरलोड हो जाती है तो आप इसको एक बार दबा के और दोबारा चलाएंगे तो चल जाता है। और ये आपका देखेंगे काफ़ी अच्छा मॉडल है, ठीक है। एंड इसके वेंटिलेटर के लिए, एयर के लिए, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो एयर के लिए होता है, यहाँ से एयर रिलीज होती है तो मिक्सर ग्राइंडर ख़राब नहीं होता और ज़्यादा टाइम तक चलता है। और कुछ लिक्विड वगैरह यहाँ गिर जाए तो यहाँ से ना, ये जो आप देख रहे हो एरो, यहाँ से निकल के थ्रो आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मिक्सर ग्राइंडर आपको हैबल्स ब्रांड के अंदर पावर हंक में मॉडल है। कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं एंड बने रहें यूट्यूब अनबॉक्स विद दीपक चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।